और वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। तो भाई आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार भी है, सत श्री अकाल भी है और आदाब अर्ज भी है। आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाने वाली है, तो इसलिए ठोको एक लाइक। और बात करेंगे आज हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो एक लिमिटेड कंपनी में? भाई गवर्नमेंट जॉब जैसा ही सारा कुछ होता है, लेकिन इसे प्रॉपर हम एक कहें कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब तो वो नहीं होती है, इसे हम कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं आती है। एक्चुअली क्या होती है, ये एक स्टेट के लिए वर्क रही होती है और इसमें ऑल इंडिया से लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो है 2050, तो वाह, जो कि अभी आने वाला है। 2018 अभी चल रहा है, तो चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, टेक्नीशियन ग्रेड 4th की आपको पोस्ट मिल रही है। तो ये जो पेज मैंने ओपन किया, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajhaya.in है, जिसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से भाई क्लिक करो और यहाँ पे विजिट कर लो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो जो मैं बकवास कर रहा हूँ, अगर वो नहीं सुनना चाहते तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, सेमी गवर्नमेंट जॉब है, बिहार में आपकी जॉब लगेगी, लोकेशन वहीं पे है भाई। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कीजिए, लेकिन 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 अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, आपका डोमिसाइल बिहार का नहीं है, तो भाई आप लोग जर्नल में जाएंगे, जैसा कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में होता आया है। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ CBT बताया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बाकी हो सकता है आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी हो जाए। चलो नोट मैंने यहाँ पे बता दिया। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो ये एक टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्निकल कुछ पोस्टें हैं, तो यहाँ पे आपकी 10वीं पास तो होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू, लेकिन इसी के साथ जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है भैया वो ITI होना जरूरी है। वो किसमें हो जाए, इलेक्ट्रिक ट्रेड में हो जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली NCVT, स्टेट काउंसिल ऑफ, यानी कि अगर SCVT के थ्रू की है या NCVT के थ्रू की है तो भाई चल जाएगी, लेकिन किसमें, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ही आपकी ITI होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 37 साल है एज ऑन 1/8/2018। SC ST को मिलेगी यहाँ पे 42 साल की छूट, EBC को 40 ईयर और BC 40 ईयर। भाई ये मैक्सिमम एज है, कहीं पूरी रिलैक्सेशन ना समझ लेना। एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा है, 1000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा SC ST के लिए, जो बिहार स्टेट के हैं और दिव्यांग है, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप है, 250 रुपीज यहाँ पे फीस रखी गई है। लास्ट डेट 8/8/2018 है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है जल्दी से अप्लाई कर लो, ये डायरेक्ट लिंक है और यहाँ पे PDF ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है। बाकी कहानी इतनी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेकर आए। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भाई को सपोर्ट करो यार, थोड़ी सी लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नाम है साचिन एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?